लोक परंपराएं कभी भी नष्ट नहीं होती पर स्वरूप बदलती रहती है। जैसे कि आज का जो गरबा महोत्सव है, वो गरबा महोत्सव की शुरुआत आज से 2363 साल पहले हुई, जो कपिलवस्तु नगरी के राजा सिद्धोदन और उनकी पत्नी महामाया को लंबे समय के बाद गर्भधारण रहने की वजह से गर्भ परिधान महोत्सव का आयोजन किया गया, जो तथागत गौतम बुद्ध का गर्भ परिधान महोत्सव था। कपिलवस्तु नगरी के राजा और प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ तथागत गौतम बुद्ध गर्भ परिधान महोत्सव मनाया गया। तो ऐसे ही जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन होता गया, वैसे वैसे त्योहारों का मनाने का तरीका है उसमें भी बदलाव आता गया, और आज जो गरबा मनाया जाता है वो तथागत गौतम बुद्ध गर्भ परिधान महोत्सव है। गर्भ उत्सव मनावाई रह्यो छे। भगवान गौतम बुद्ध ना सानिध्य में एमनी जीवन नी कथा, एमनी प्रेरणा, एमनो संदेश, मुख्य संदेश भगवान बुद्ध नो शुं हतो? क्षमा, अहिंसा। इतिहास को उजागर करने के लिए सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा शहर में फुले अम्बेडकरी विचार मंच धांगध्रा के ओर से सही इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध गर्भ परिधान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सही इतिहास की जानकारी भी ली, और इस अवसर को सही इतिहास जानने का लोगों को अवसर भी बना रहा। मैं विपिन सोलंकी, गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिला से, इंडिया अनहर के लिए।